नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी बी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज है, कॉलेज आवंटन हो गए हैं। और आइए देख लेते हैं कि किस से कॉलेज आवंटन हुआ है। पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं कि किसको कौन सा कॉलेज आवंटित हुआ है। दोस्तों ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें देखिए लिखा गया है कि विषय क्या लिखा गया है, विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक वाणिज्य वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी कि बालिका और बालक वर्ग दोनों के लिए है ये लिस्ट। और इसमें बताया गया है कि इनको कॉलेज आवंटन हो गया है, अगर इन लोगों को इनको ज्वाइनिंग करवानी है, अगर इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके प्लेस पर पैनल में जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक बालिका वर्ग के लिए है और एक बालक वर्ग के लिए है। तो सबसे पहले हम बालक वर्ग की लिस्ट देख लेते हैं। ये बालक वर्ग की लिस्ट देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कॉलेज दिया गया है कि खैर इंटर कॉलेज खैर अलीगढ़ इनको अलाट हुआ है और गिरीश कुमार गुप्ता है ये। तो इसी तरह से ये पूरी लिस्ट है कॉमर्स की, बालक वर्ग की। और इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नाम भी देख सकते हैं। और इसके बाद बालिका वर्ग का शुरू होता है। ये देखिए बालिका वर्ग है, बालिका वर्ग में कम लोग हैं तो इनके नाम मैं आपको बता भी देता हूँ। मीनाक्षी अग्रवाल को चावली देवी कन्या इंटर कॉलेज मेरठ मिला है, ऋतु जैन को गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज रविंद्रपुरी वाराणसी मिला है, और सीमा रानी गुप्ता को विपिन बिहारी चक्रवर्ती कन्या इंटर कॉलेज रामपुरा वाराणसी मिला है। रुखसार फातिमा को जैन कन्या इंटर कॉलेज मंडी मुजफ्फरनगर मिला है, और आरती देवी वर्मा को नवीन महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज इलाहाबाद मिला है। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आपको कॉलेज अलाट हो गए हैं। और अगर इनमें से कोई ड्रॉप करता है, कोई कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं लेता है, तो इसकी जगह पर पैनल में जो वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।